मेरे नबी ने फरमाया साहबा मेरे ओवैस ने सुनिया है ओदे नबी दा फरमान है जिन्हें मां नो राजी कर लिया है उन्हें मोहम्मद नो राजी कर लिया नहीं नहीं मलक साहब जुमने अंदरू सुनना जे ये ओवैस करने कौन है जिदा जिक्र अज चक बरहमे दे विच और आए अज मलकां दे सामने ओवैस करनी दा जिक्र और आए मेरे नबी ने फरमाया गुलामां उन्हें मेरी हदीस सुनी हुई उन्हें मेरा फरमान सुनिया है जिन्हें महां दियां खिदमतां कीतियां ने जिन्हें महां नूं राजी कर लिया है जिन्हें महां दी सेवा कर ली है उहदे ते अल्लाह भी राजी है उहदे ते अल्लाह दा हबीब भी राजी है मलक साहब इत्थे मियां साहब ने कलम उठाई है इत्थे दर्द दा बादशाह तड़फे आए ते मियां साहब आंदे ने मां मरे ते माप मुकदे होए चक्कर मियां लियो मां मरे ते होए मां मरे ते होए माप अंदरू सुनियो मैं की कह रहा सौ के नहीं सुनना होए मां मरे ते होए मां मरे ते होए दे हाथा वीर मरण कंडे मलसा वीरां नल बड़ियां बहारां आउंदियां ने हे वीरां नल बड़ियां रौनकां आउंदियां ने हे मां मरे ते हे मां पे मुक दे हाथा वीर मरण कंडे खाली कसम उठा के आना ब्रह्मे चक दी सरजमीन विच बैन आलो मेरे नबी ने फरमाया ओ वैस दी महान नबी नी उनु रोटी बना के देंदा है उनु खाना देंदा है ओदे कपड़े धोंदा जे ओदा ख्याल रखदा जे फरमाया मदीने आले ओ वैस ते मां राजी है जे मां राजी है फिर हसनैन दा नाना भी राजी है अज असी सारे हजरात इसाले सवाब दी महफल दे अंदर तशरीफ फरमावां जनाब मोहतरम भाई मलक मुहम्मद बिलाल साहेब मलक मुहम्मद फजाल साहेब इन्हां दी वालदा मोहतरमा और इन्हां दा दादा जान दादी जान मरहूम इन्हां दे इसाले सवाब वास्ते सारी बजम सजाई गई है दुआ गोवां अल्लाह करीम इन्हां दी अम्मी जान दादा जान दादी जान दी कामिल बख्शिश ओ मगफरत फरमाए नमाज दा टाइम ही करीब है असर दी नमाज और अजान तो पहले इंशाल्लाह से दुआ कर देंगे तुसी सारे बड़ी मोहब्बत नाल बड़ी उल्फत नाल बैठे हुए हो अल्लाह साहब दा बहना कबूल फरमाए मैनू मलक साहब ने जिहड़ा हुक्म फरमाया इंशाल्लाह वो दो ही मौजू मैं बयान करने ने तो उन्हां दे विच एक एक गल बयान करांगा तो टाइम हो जाएगा पहले नंबर ते जिन्हां दी वालदा दुनिया तो गई ने उन्हां दे बेटे और उन्हां दे शोहर जिन्हां दी बीवी दुनिया तो गई ने यकीनन ये बहुत वड्डा सदमा हुंदा है मां दा जाना बाप दा दुनिया तो चलिया जाना क्योंकि मलक साहब पूरी दुनिया दे उत्ते ये अल्लाह ताला दा निज़ाम है जेड़ा दुनिया ते आया है उन्हें दुनिया तो जाना भी है जेड़ा पैदा होया है उन्हें मौत भी आनी है कुल्लू नफ्स ज़ाइकतुल मौत एक कुरान ने तस्वीर बयान की थी है कि हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है कोई नेक होवेगा उन्हें भी फौत होना है कोई भैड़ा होवेगा उन्हें भी फौत होना है मौत आ जानी है लेकिन हकीकत उन्हें दसा कुछ सदमे इंसान दे दिल ते ऐसे लग जाते ने कि जेड़े सारी जिंदगी भी भुलाया भुलदे नहीं किसी दे नाल तलक होवे ना तो बंदे कहते हैं ठीक है यार जदों वो बंदा ही नहीं रहा तो तलक भी खत्म हो गया जदों बंदा गया तो तलक भी टुट गया एक तलक ऐसा है रिश्तियां विचों जेड़ा तलक नहीं टुटदा वो तलक है औलाद का ते वालदैन का
समझ आ रही है ना जी, औलाद दा ते वाल देन दा। कई बार होंदा कि सके भरा भी दुनिया के एक दूजे ने तलक खत्म कर देंगे ने कि यार मरण जून मुक गया तू साडे वेड़े नहीं आना सी तेरे वेड़े नहीं आवांगे, सो मामलात खराब हो जाते हैं। लेकिन जिहड़ा वालदैन का रिश्ता औलाद नाले, औलाद का रिश्ता वालदैन नाले, ये रिश्ता मर के भी खत्म बोलो दुनिया तो जा के भी खत्म नहीं होंदा। बाबा जी किसी का बाप 30 साल पहला भी फोत हो गया हो ना तो लोग आते ने भी ए मलक कि पुत्र ज आते ने कि नहीं आते, ए गल समझो ये कोई आम गल नहीं, कोई तकरीर नहीं, इंशाला फायदा देन की गल। ए नवाज कि पुत्र है जी, जी फलाने का पुत्र है। अच्छा ये फजाल कि पुत्र है, जी फलाने का पुत्र है। बाबा जी जे तलक खत्म हो गया हों तो लोग उन्होंने अब्बे का ना ना लेंदे, लोग कहते ठीक है उन्होंने अब्बा टुर गया बस ठीक है, मां टुर गई है बस ठीक है। ये तलक बंदे का रहा है जदों भी, और मेरी गल अपने दिल से लिख लिया जे, कई बार ऐसा होंगे कि पुत्रां दा तारफ बाप की वजह तो करवाया जाता है। कई बार ऐसा होंगे कि बाप नूं अल्लाह ने इज्जत दी होंगी है तो लोग आते हैं जी ये कि केड़ा बाप है जी फलाना, अच्छा वकील साहब के पुत्र ने, अच्छा जज साहब के पुत्र ने, अच्छा ये जो साढ़े स्कूल के मास्टर साहब ने उन्होंने पुत्र ने, अल्लाह इज्जत इज्जत पुत्रां नूं भी दी होंगी। लेकिन बाप की वजह तो पुत्रां नूं इज्जत मिलती है, बाप की शनाहत तो पुत्रां नूं शनाहत मिलती है। और कई बार ऐसा होंदा जे पुत्रां की वजह तो बाप की शनाहत होंदी है, मेरी गल सुट ना पायो, पुत्रां की वजह तो बाप की शनाखत होंदी है। अच्छा हुण पुत्र हैडमास्टर लगा होवे ते बाप स्कूल टुर जाए ते लोग पुछण वी बाबा कौन है, उन्हें कहना जी ओ मलक साहब जिहड़े हैडमास्टर ने ना उन्हां दे अबू ने, इंज जी कहणगे ना जी। हुण पुत्र की वजह तो बाप की शनाखत हो रही है, पुत्र की वजह तो बाप नूं इज्जत दिती जा रही है कि पुत्र पढ़ गया, पुत्र आला ओहदे ते पहुँच गया। औलाद चंगी होवे ना मलक साहब, औलाद चंगी होवे ते बंदे दे परेशानियां भी आउण ते बंदे डोलदे नहीं जे, अगर औलाद भैड़ी निकल आवे ना ते बंदे पिंड दे चौधरी भी आउण ना ते औलाद माँ प्यो नूं रोल के रख छड़ दी जे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, दुआ ए मंगिया करो या अल्लाह जे औलाद दिती आ ते औलाद नूं नेक करी, औलाद नूं साले करी, औलाद नेक होवेगी ते तुहाडे कबर ते आवेगी, मेरी कबर ते आवेगी, कब्रस्तान जावेगी। ते जे औलाद कोल इन्ना टाइम ही ना होया कि अब्बे हरी कोठियां बना के, अब्बे हरी जमीना बना के, हर चीज़ बना के पुत्रां वास्ते छड़ के दे के टुर गए ने, ते अज पुत्र कोल टाइम कोई नहीं अपने बाप की कबर ते जाण वास्ते, अपनी मां की कबर ते जाण वास्ते। रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा गया ना, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने वाल देण वास्ते दुआ करेगा अल्लाह उहदी रोजी विच कदी बेबरकती नहीं आउण देवेगा। एक बार आखो हाँ सुभान अल्लाह, जेड़ा बंदा अपने अब्बे वास्ते दुआ करे, अज अफजाल साहब मलक साहब उन्होंने दूसरे भाई अपनी अम्मी जान दे साले सवाब वास्ते बिठाया ने ना सानू, और कोई मकसद नहीं। और एक मैं भी गल करना कि कोई बंदा रोटी वास्ते नहीं आता, कोई बंदा फ्रूट वास्ते नहीं आता, हर बंदा अपने घरों चंगा खाता है। लोग आते ने तलक की वजह तो, अगर तलक अच्छा हो तो लोग आते ने। अगले दिन इन्हां नात पढ़ीए बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर, अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। असी ये रावलपिंडी रोड ते सां ते बहुत वड्डा जनाजा होया बंदे दा, ते बंदे कहन लगे यार बड़ा वड्डा जनाजा, जिहड़े बाहरों गए सन उन्हां नूं तो नहीं सी पता, तो जिहड़े पिंड वाले सन ना वो कहंदे ने यार ये ना वेखो वी इहदा जनाजा वड्डा होया, ये भी लोगों के जनाजिया ते जांदा रहा। तो जिहड़ा जिहड़ा आखे जी चौधरी आखे मेरे कोल टाइम ही कोई नहीं, तो लोग एडे वेले तो नहीं वो तुहाडे घर आउणगे, तेरे खत्म ते आउणगे, तेरे जनाजे ते आउणगे। तलक अच्छा रखेगा तेरा जनाजा गवाई देगा। एवं नहीं बंदे आते भी चौधरी साहब चेयरमैन के जनाजे ते इन्नी दुनिया एवं नहीं आई, चेयरमैन भी जाता रहा है, MNA MPA भी जाता रहा, कौंसलर भी लोगों के मरण जोन से जाता रहा। और फिर हमेशा याद रखिया जे, बजुर्ग सियाने लोग फरमाते ने खुशी तू बंदा पिछे रह जाए तो कोई गल नहीं, गमी तू पिछे नहीं रहना चाहिए, गमी तो पिछे नहीं रहना चाहिए। जेड़ा बंदा गम तो किसी तो पिछे रहे सारी जिंदगी नहीं जो भूलता बंदे, कसम खुदा जी वो सीने तो लिखा जाता है कि यार मेरी माँ का जनाजा सी ये बंदा नहीं आया, मेरे बाप का खत्म सी ये बंदा नहीं आया। वो खुशी में ना भी ना बंदे का पुत्र की शादी हो बंदे ना उन्होंने कहते चल यार खैरी सलाह मजबूरी होनी नहीं आया, गमी के लाजमी शामिल होया करो, ये मोमिन की निशानी है।
ईमान वाले की निशानी है। अज किसे वास्ते दुआ करोगे कल तुहाडे वास्ते को करेगा, अज किसे दे जनाजे ते जाओगे कल को तुहाडे जनाजे ते आएगा। क्यों? मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की थी। आपने कलम उठाई, आप फरमाते ने ओ मालिक है, ओ खालिक है, ओ राज़िक है, ओ जिन्हों चाहे जो मर्जी दे सकता है, जिन्हों चाहे जो मर्जी अदा कर सकता है। ते रोमिए कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम उठाई, आप फरमाते ने अदल करे ते थरे थरे कंबल, बाबा जी अदल करे मेरे मौला अदल करे ते थरे थरे कंबल, उचिया शाना वाले फजल करें ते मलक साहब अल्लाह की कसम उठा के आना वा, अज तेरे डेरे ते दुनिया बैठी हुई है, अज फजाल साहब तुहाड़ी मां दे खत्म विच दुनिया आई है, इन्हें दुआ करनी है अल्लाह ने कबूल करनी है। औलाद ने कुंदी होवे जड़ी मां दे जान तो बाद भी हाथ चुक के दुआवां करदी है, जड़ी बाप दे मरण तो बाद भी दुआवां करदी है। हंदिए रब्बा नग फिर ली वाली वाली दैया, वाली वाली दैया वलिल मोमिनीना यौम यकौमुल हिसाब, बड़े बड़े जगीरदार बरामे जग चो डर गए ने, जिन्हां कोठियां छड़ गए ने, गड्डियां छड़ गए ने, हवेलियां छड़ गए ने, थोड़े कब्रस्तान जाके वेखा बड़े बड़े मलक डेरे ला के सुते होए ने, कोई पुछण वाला कोई नहीं, कोई कब्र ते जाण वाला कोई नहीं, कोई मिठियां पाण वाला कोई नहीं, खबरां दे निशान भी मिट गए ने। मलक साहब पुत्र कदी कब्रस्तान नहीं गया, कदी बाप की कब्र ते नहीं गया, कदी मां की कब्र ते नहीं गया। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिदे ते वालदैन राजी है होदे ते अरशां वाला खुदा भी राजी है। नहीं नहीं मलक साहब जुमले सुनिया जे, जिदे ते अल्लाह राजी है, जिदे ते मां राजी है ओदे ते रब राजी है, जिदे ते बाप राजी है ओदे ते रब राजी है। हाँ जुमले समाद कर यारे, एक बाबा जी एक फना फिर रसूल बंदा है, जिदा ना खा जायो वैसे करनी है, हे कौन यू वैसे जिदो असर दी नमाज दा वेला आउंदा है। मलक साहब मेरे नबी मदीने च बने जाते ने, अबू बकर नाल आते ने, जनाबे अली नाल आते ने, जनाबे बिलाल नाल आते ने, मेरे नबी मदीने चुबने आके सूफी साहब मेरे नबी बटन खोल लेंदे ने, हजूरी यमन वाली चेहरा करके बह जाते ने, सहाबा हथ बन के आते ने, सोने असी रोजाना बने तुसी मदीने च जोश बने आगे, तुसी यमन वाली चेहरा कर लेंदे हो, तुसी करन वाली चेहरा कर लेंदे हो, हजूर इधर कौन है। मलक साहब जुमले सुनियो, इधर कौन है, सहरा दे बाबे दा ऐलान सुनिया ने, हसनैन दे नाना जान दा फरमान सुनिया ने, मेरे नबी ने फरमाया अली मैं यमन वाली चेहरा ता करना वा, यमन अंदर करण करण अंदर एक बस्ती है, उथे मेरा यार वसदा है, जिदा ना खा जा ओ वैसे करनी है। नहीं बाबा जुमले सुनिया रे, ये मेरे नबी फरमा रहे ने, मलक साहब उथे यमन अंदर करण करण अंदर युवैस है, जड़ा चलदा भी नबी नबी पढ़दा है, जड़ा बहंदा भी नबी नबी करदा है, जड़ा उठदा भी नबी नबी करदा है, जड़ा इश्क नबी अंदर फना हो गया है, जड़ा हसनैन दे नाने ते फिदा हो गया है। सहाबा ने आखिया कमली वालिया ज्यों वैसे
ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਾਬਾ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸ ਵਸਦਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਵਸਦਾ ਜੇ ਸਾਹਾਬਾ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਹਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਯਮਨ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਯਮਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਾਊਦੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਓਵੈਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਏ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਅੰਦਰੂ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਇਹ ਓਵੈਸ ਕਰਨੀ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਚੱਕ ਬਰਹਿਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਜ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਵੈਸ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਏ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੜਫੇ ਆਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਪ ਮੁਕਦੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਮੀਆਂ ਲਿਓ ਮਾਮਰੇ ਤੇ ਮਾਮਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਪ ਅੰਦਰੂ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏ ਮਾਮਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਮਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਫੇ ਮੁਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਡੇ ਖਾਲੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਚੱਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੈਸ ਦੀ ਮਹਾਨਬੀਨੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਵੈਸ ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਜੇ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਫਿਰ ਹਸਨੈਣ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਹਾਜਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਤੇ ਉਮਰ ਜਾਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੈਸ ਹਜ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸੁਣੋ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਓਵੈਸ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਏ ਓਵੈਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਹਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੋਏ ਓਵੈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵੈਸ ਆਏਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਾਇਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਏ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅਤਹਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵੈਸ ਆਏਗਾ ਓਵੈਸ ਹਜ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ
जे मैनू ईमानदारी ना दसिया रे ओ वैस नू इन्नी शान कित्थों मिली गे बाबा जी मौला अली गे ने फरमाया यो वैस तेरे बारे साढ़े नबी आंदे रे ने मेरी उम्मत वास्ते दुआ करवानी है ओ वैस हाथी चुक लै मलक साहब जुमले सुनियो तेरे सीने ते नक्श करके जावांगा ओ वैस हाथों उठा लै मेरे नबी दी उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआ कर मलक साहब जनाबे ओ वैस मौला अली दे हाथी चुम दे ने मौला अली दी दाढ़ी चुम दे ने आंदे ने अली मैं नबी नू वेखिया नहीं मैं तुहाडे तो कुर्बान हो जा तू ही ओ अली इत्थे जुमले सुनी तू ही ओ अली तू ही ओ अली जिने मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले तू ही ओ अली अली कोया मली नहीं अली कोया मली नहीं अली ओ अली जिन कुर्ती जहरा दे बाबे ने दिती होई है अली ओ अली इधर बाबा जी मेरे वाल वेखिया जे मौला अली नाल।